अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस में। आईजी पंजाब इनाम गनी की जेर सदारत लाहौर में जराइम कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से सीपीओ में इजलास। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना है कि मनशियात फरोशी के कला कमा के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाते हुए मुलजमान को पाबंदे सलासल किया जाए। बड़े मगरमच्छों को टारगेट करने के साथ तालीमी इदारों के गिर्द मनशियात फरोशी में मुलविस अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाए। क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही के साथ वहां डॉल्फिन और पीरू की पेट्रोलिंग प्लान को मजीद मौसर बनाया जाए। क्राइम पॉकेट्स में पीक टाइम के दौरान सर्कल अफसरान खुद फील्ड में निकलकर पेट्रोलिंग प्लान और सूरत हाल की मॉनिटरिंग करें। ट्रैफिक के बिला तातुल और हमवार बहाव को बरकरार रखने के लिए अफरादी कुव्वत के बेहतरीन इस्तेमाल और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जाए। ज्यादा रश वाली जगहों पर ट्रैफिक वार्डन्स हाई अलर्ट होकर फराइज अंजाम दें, जबकि सीटीओ खुद भी फील्ड में निकलकर इंस्पेक्शन करें। मरकजी शहरात और चौकों से भिखारी माफिया के खात्मे के लिए क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाने के अहकाम। बच्चों से भीख मंगवाने वाले पेशावर भिखारी मर्द और खवातीन के खिलाफ बतौर खास कार्रवाई की जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीमों के साथ मिलकर शहरात से पेशावर भिखारियों का सफाया किया जाए। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले तीन मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने खौफो हरास और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। नवाकोट पुलिस ने असद नागरा, जरार नागरा और शिराज नागरा नामी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से जदीद असलहा, 3 ऑटोमेटिक राइफल्स, 12 मैगजीन्स और सैकड़ों गोलियां बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद। सीसीपीओ लाहौर मोहम्मद उमर शेख की मुलजमान की गिरफ्तारी पर एसपी इकबाल टाउन, एसडीपीओ उमर फारूक बलोच और एसएचओ को शाबाश दी। सीसीपीओ लाहौर मोहम्मद उमर शेख की मुलजमान की गिरफ्तारी पर एसपी इकबाल टाउन, एसडीपीओ उमर फारूक बलोच और एसएचओ को शाबाश। सीसीपीओ उमर शेख का कहना है कि नक्शे अमन और कानून हाथ में लेने वालों से आड़े हाथों निपटा जाए। लाहौर पुलिस ने खौफ और दहशत की अलामत समझा जाने वाला बदनामे जमाना कब्जा माफिया का सरगना मलिक शाहिद उर्फ मलिक बोदा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कत्ल, इकदामे कत्ल, कब्जा फ्रॉड, नाजायज असलहा समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। बदनामे जमाना बदमाश और कब्जा ग्रुप की पुश्त पनाही, दहशत ने मदद फराम करने वाला इंस्पेक्टर भी मुअत्तल। एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद का कहना है कि शरीफ शहरी बदमाश के डर से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाते थे। सीसीपीओ लाहौर ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अमजद अली को मुअत्तल क्लोज लाइन कर दिया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का कहना है कि शहर में कोई कब्जा ग्रुप, भत्ताखोर और बदमाश सर उठाने ना पाए। समाज दुश्मन नासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में बदामी बाग पुलिस की कार्रवाई। 40 साल मुसरत पीबी और 9 साल बच्ची अनम को गाड़ी से कुचलकर हलाक करने वाला मुजरिम अरशद गिरफ्तार। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग मोहम्मद नवाज ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की तरफ से मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश। कहना पुलिस ने शहरी की 40 केनाल अराजी पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम बना दी। एसएचओ कहना इंस्पेक्टर हमाद अख्तर की क्यादत में पुलिस ने मुलजमान को मौके से गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान की कब्जा माफिया के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करने पर एसएचओ कहना और उनकी टीम को शाबाश। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद का कहना है कि गरीब लोगों की प्रॉपर्टी हत्याने वाले कब्जा माफिया से आहनी हाथों निपटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर असलहे की तशहीर करने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। नसीर आबाद पुलिस लाहौर ने सोशल मीडिया पर जदीद असलहे की तशहीर करने वाला मुलजिम राशिद नूर गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ नसीर आबाद इंस्पेक्टर शोएब खान के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से जदीद राइफल्स बरामद, मुकदमा दर्ज। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने एसएचओ नसीर आबाद और उनकी टीम को शाबाश दी। असलहे की नुमाइश पर डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट ने 108 मुलजमान को गिरफ्तार किया। क्रैकडाउन के दौरान 33 पिस्टल, 7 राइफल्स, दर्जनों गोलियां, कारतूस और मैगजीन्स बरामद। 4 टारगेट ऑफेंडर समेत 5 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 53 रिकॉर्ड याफ्ता, 2 डकैत,
4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 40 नाजायज लेह के मुलजमान शामिल हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान के कब्जे से छीने गए मोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स और कैश बरामद। एसपी डॉल्फिन राशिद हजरत का कहना है कि असलहा शो ऑफ वेपन का बढ़ता हुआ रुझान नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाही की जानिब ले जाएगा। वालिदैन भी अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, मुआशरे का सूदमंद फर्द बनने के लिए तालीम पर तवज्जो दें। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।